राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की टिप्पणी को चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग को अग्रिम कार्रवाई करने के लिए लेटर लिखा है। अलवर की मुंडावर सीट पर कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान शरद यादव ने तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शरद यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वसुंधरा ने कहा था, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं अपमान महसूस कर रही हूँ। शरद को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, उन्होंने मेरा नहीं सभी महिलाओं का अपमान किया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से कार्रवाई की भी मांग की थी। हालांकि विवाद होने के बाद शरद यादव ने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा था, उनका किसी को अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने उनका बयान देखा है और उनके साथ रिश्ता बहुत पुराना है, पारिवारिक है, और अभी तक मैं नहीं बोला था, दूसरे लोग बोल रहे थे, लेकिन यदि उनको महसूस हुआ है हमारे बोलने से कि मैं जो बात कहा था उससे यदि मान लो उनके मन में तकलीफ हुई है तो मैं इसको अफसोस जाहिर करता हूँ और मैं उनको पत्र भी लिखूंगा। मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने अलवर के जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने माना अलवर में आचार संहिता के जनरल कंडक्ट क्लॉज के पैरा नंबर 2 का उल्लंघन हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग को कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट भेज दी है।